आज हम नूरपुर का मिल्क यूज़ करते हुए हॉट मिल्क केक बनाएंगे, ठीक है। इट्स नॉट द रेगुलर मिल्क केक, थ्री मिल्क केक नहीं है ये हॉट मिल्क केक है। इसके लिए हमें एक कप नूरपुर का फुल क्रीम मिल्क को मक्खन के साथ पिघलाना है, गर्म करना है और फिर इस सारे जो बैटर में हमें इसको डालना है। 4 टेबल स्पून मुझे मक्खन चाहिए और नूरपुर फुल क्रीम मिल्क एक कप पूरा। ओके, सो 4 चम्मच जितना मक्खन फीका अनसॉल्टेड वाला और एक कप नूरपुर का दूध, ये आपने यहाँ रख दिया। अच्छा, फिर यहाँ है मेरे पास 2 कप चीनी और 2 कप मैदा, 4 अदद अंडे हैं, 1/3 कप तेल है, मैंने नाप के यहाँ रख दिया है, थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है और ये सारी चीज़ें जाएंगी इसमें, मक्खन और तेल दोनों चीज़ें हैं। जब तक वहाँ मक्खन और नूरपुर का मिल्क पिघल रहा है, गर्म हो रहा है, तो मैं यहाँ 4 अदद अंडों को बहुत अच्छी तरह बीट कर लूँ, ठीक है। नूरपुर का UHT मिल्क 100% 100% सेफ और गज़ाइत से भरपूर दूध है, PSQSA के मैार के एन मुताबिक है। चाहे वो चाय में आप डालें उसको या दूध से कोई बनी हुई मज़ेदार सी कोई डिश हो, नूरपुर दूध हर घोंट और हर निवाले को बनाएं जायके से भरपूर। तो ज़रूर ये लाइएगा और इसका इस्तेमाल घर पे भी कीजिएगा। में आप तेल डालिएगा, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर आप उसमें वेनिला एसेंस डालेंगे, और नमक एंड बेकिंग पाउडर मैदे में आप मिक्स कर दीजिए। मैं नमक को वहीं रख दूँ सो दैट आई रिमेंबर, मैंने यहाँ डाल दिया है वरना मैं हमेशा भूल जाती हूँ। ओके, चीनी मक्खन का कब काम ख़त्म हो गया है। अच्छा, इसको ज़रा देखते हैं मिक्स करके। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं या SMS करके बताना चाहते हैं, ये क्विक हैंड मिक्सर यूनिक्स की तरफ से है, केक के नाम आपने बताने हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, हेलो। ओ डियर, दोबारा ट्राई करिएगा, सॉरी जी लाइन कट गई। चीनी शामिल करिए थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ी थोड़ी डालते हैं, घुल जाए फिर आप दूसरी डालिए। ठीक है जी, स्पैचुला से बोल्स को अच्छी तरह खाली किया करें, कोई चीज़ अंदर रह नहीं जाए, बिकॉज़ फिर वेस्ट क्यों करें ना हम। ओके, नाउ हॉट मिल्क केक, सो नूरपुर का दूध भी गर्म हो चुका है, इसमें मक्खन भी पिघल चुका है, यू पुट ऑल ऑफ दैट इन इस तरह, एंड फिर अब हम इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक शामिल करेंगे। फोल्ड कर दीजिए इसको लाइटली जेंटली और मैं इसको फिर रखूँगी बेक होने के लिए। ग्रीस करके इस डिश में निकाल दिया है। जब ये केक, हॉट मिल्क केक बन के निकलेगा ओवन में से, तो इसको हम कैरमल सॉस के साथ ड्रिजल करेंगे। अब आप किसी भी टिन में, किसी भी डिश में बेक करिएगा प्लीज़। मैंने इस तरह के खुले पायरेक्स के डिश में इसलिए बेक किया है ताकि जल्दी से बेक हो जाए, बिकॉज़ वी हैव लेस टाइम ऑन आवर शो। नाउ मैं इसको यहाँ कैरी करती हूँ, इसको हम बेक करने रख देते हैं
हॉट मिल्क केक, 2 कप चीनी थी, 4 अदद अंडे थे। पहले बहुत अच्छी तरह अंडों को बीट करिएगा, 2 कप चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, 1/3 कप मैंने उसमें तेल डाला था और आप उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करिए, मैदा 2 कप था। फिर मैंने क्या किया था, 1 कप नूरपुर का जो दूध था फुल क्रीम मिल्क उसको गर्म किया, उसमें मैंने 4 चम्मच फीका अनसॉल्टेड मक्खन डाला और जब मक्खन पिघल गया, दूध गर्म हो गया, तब फिर हमने इसको उसमें डाल दिया और 2 कप इसमें मैदा भी गया था जिसमें हमने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला था और 1 टीस्पून उसमें आपने थोड़ा सा नमक भी शामिल करना है। ठीक है, सब कुछ हो गया। सो वेनिला एसेंस, दूध नूरपुर का, फीका अनसॉल्टेड मक्खन, बेकिंग पाउडर, नमक, मैदा, तेल, अंडे और चीनी, सारी चीज़ें आपने ग्रीस किए हुए डिश, टिन, जिसमें भी आपने इसको बेक करना है कर लीजिएगा और फिर आप रख दीजिए अवन में। अवन को प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अवन को ऑन करना पहले और फिर उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको निकाल के वहाँ रख देते हैं और इसके ऊपर मुझे, मैं पहले यहाँ लाती हूँ उसको, इसके ऊपर मुझे ड्रिजल करना है कैरमल सॉस। ठीक है, यह हॉट मिल्क केक है, इसको 3 मिल्क केक के साथ कंफ्यूज़ नहीं करिएगा। होपफुली इसमें से कुछ गेट सम सॉस, सम कैरमल सॉस, तो इधर उधर हो जाएगा ऑब्वियसली, बट ड्रिजल कर देते हैं पूरे पे। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, इसको ड्रिजल नहीं करना है, प्लेन सर्व करना है, प्लेन भी सर्व कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। अब आप इसके पीसेस काटिए, थोड़ा सा मैं इसको रहने देती हूँ, वी हैव गॉट सम टाइम। एक और ब्रेक तो नहीं है, वी हैव अ ब्रेक, ओके, सो वील क्लीन अप, इसको थोड़ा सा डिश में निकालने की कोशिश करते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग आवर शो फूड डायरीज़।